जरा, आप स्वरूप स्वरूप भद्र बोल रहे स्वरूप बोल हैं रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए, हिंदी बात की जरा, कॉल रिकॉर्डिंग चल रही ना? है हाँ आपकी। बोले आपका जो दोनों लोन है, कल आपसे हाँ बात हुआ था ठीक हाँ है, हाँ अभी आपका घर में तो आए हैं, आपका पिताजी है घर में, तो आप रहते कहाँ पे है सर? मैं राजस्थान में रहता हूँ सर राजस्थान में रहते। जी। अच्छा, लोन का पेमेंट क्या होगा सर? किसके लिए सर? ये जो दोनों लोन का ड्यू पड़ा है, कल ना मेरे घर पे जो बंदा आया था ना, कौन, आप ही आए थे? कोई कल कोई और आया था मेरे घर से, उसका कॉल भी आया था मेरे, वो मेरा फोन काट रहा था बार बार। कल जो मेरे घर पे बंदा आया था ना, पहले मेरे को जो है उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल चाहिए होगी, उसके बाद में लोन की अच्छा पेमेंट की बात करूंगा। मैंने लोन की पेमेंट। उसके अच्छा सीनियर से बात करी थी, उसकी तो क्लास लगा दी थी मैंने तरीके से, तो वो फोन काट के भाग गया। लेकिन मुझे जो कल बंदा आया था मेरे घर पे जो तमाशा करके गया था, मुझे उसकी पूरी डिटेल हाँ चाहिए। मेरे को बैंक की अच्छा उसकी अच्छा कंप्लेन करनी है, उसके बाद में बात करूंगा पेमेंट की सर। सीनियर सीनियर से बात करना है आपको सीनियर से बात नहीं, नहीं जो उस कल। बंदे मुझे उस बंदे की डिटेल चाहिए जो बंदा कल मेरे घर आया था। सीनियर से ऑलरेडी बात अच्छा कर चुका हूँ आपके, उसकी तो बजा दी मैंने, वो तो हथियार डाल के बैठ गया है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डलवा दी है कल ही। अच्छा अच्छा यूट्यूब में डाल दिया ठीक हाँ है। डाल अच्छा दिया। हाँ कल मुझे उस बंदे की डिटेल चाहिए जो बंदा मेरे घर पे आया था कल, उसका अच्छा नंबर बता तो सकता हूँ मैं आपको चाहिए तो। सर मैं तो खुद आए थे सर। आप ही आए थे? हाँ हम ही आए थे नहीं सर। आप तो नहीं आए थे सर, मैं नंबर बताता हूँ ना, एक मिनट रुकिए जरा। बोलिए। नंबर कौन आया था, एक मिनट रुकिए जरा, कल जो आया था इस नंबर से कॉल नहीं आई थी, एक मिनट रुको जरा मैं बताता हूँ कल कौन सा नंबर, उसका नंबर लिख के रखा हुआ है, एक मिनट रुकिए जरा, कल कौन लाया था, एक मिनट रुकिए, कल जो आया था नित्यानंद आप ही हो? हाँ हाँ नीता ही बोल रहे थे। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, नहीं आपने कॉल तो दूसरे नंबर से किया है, कल दूसरे नंबर से कॉल किया था आपने? नंबर तो मेरा दोनों ही है, वो अच्छा नंबर दोनों भी आप ही है नंबर इनका है। भी। नहीं तो आप एक बात बताइए, हाँ कल कल आप ही आए थे कंफर्म? हाँ तो कंफर्म सर। आप कल गली में क्यों अल्लाह वल्ल चमे, पड़ोसी क्यों अल्लाह, पड़ोसी में डिटेल क्यों डिस्क्लोज कर रहे थे कि इतना लोन लेके क्या भाग गया, डिटेल गली में डिस्कस क्यों चिल्ला चिल्ली कर रहे थे इतना डिटेल भाग गया है, ये कर दिया है वो कर सर, दिया आपको है? कौन आपको आपको कौन बोला सर सर मेरे को गली में पड़ोसी ने हमारे बताया बंदे, मेरे, सर कौन पड़ोसी सर बताया ये उसकी मैं आपको नहीं उसकी बताऊंगा बात ना कौन करिए। पड़ोसी बताया, लेकिन मेरे को पड़ोसी ने जैसे अभी बताया। अभी 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 सर आप बोलेंगे हम अकल आके आपका घर में, एक ताला थे, ताला में लात मारे थे, दर्जे में लात मारे थे, कोई बोला है तो आपको तो प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलिए ना, चलिए लड़की चलिए चलिए, सुनिए सर, आप प्रूफ की बात करते हैं, हम प्रूफ पे बात करते हैं। आप आज आए हैं, आने से पहले कॉल किया आपने मेरे को, मेरे घर पे आप आए हैं, किसको आने से पहले कॉल किया आपने? सर आपको क्यों कॉल करेंगे सर? आपका तो एड्रेस सुनिए हो तो आपको क्यों कॉल मेरी करेंगे? बात, हाँ सुनिए मेरी बात, एज पर आरबीआई बोलिए। गाइडलाइंस अगर किसी कस्टमर आप घर पे हाँ जाते हो तो घर पे जाने से पहले आपको कस्टमर को कॉल करना पड़ता है। आपने कॉल किया अच्छा कहाँ कॉल करेंगे कस्टमर को? कस्टमर को आपने मुझे कॉल किया, आप? तो रॉन्ग नंबर बोलते हैं सर। आपने रॉन्ग जो नंबर जो कहाँ बोला नंबर सर, सर मेरी मेरी कल भी आपसे बात हुई है, कल कल तो आपसे फोन बात काट के हुआ बात, ना सुनो जो ना, नंबर। कल मेरे आपके नंबर पे जो बात हुई थी, मैं आपको कॉल बैक भी कर रहा था, फोन काट के फोन काट रहे थे कल आप, ठीक है चलो कल फोन फोन काटे कोई कहाँ दिक्कत नहीं है काटे ना सर? फोन कहाँ काटे? सर, आप मैं तो आपको आप तो स्क्रीनशॉट भेज सकता आप हूँ तो सर। सीनियर आप तो सीनियर से बात कर रहे थे ना सर मैंने सीनियर से बात सीनियर। करने के बाद आपको दोबारा कॉल बैक किया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप फोन काटने लग गए मेरा, 3 बार कॉल किया नहीं मैंने आपको सीनियर से आपसे बात जब करने के सीनियर बाद। का बात हो गया, आपसे जब सीनियर का बात हो गया ठीक है, हाँ तो हम बीच हाँ में क्यों बोलेंगे? तो सीनियर ने मुझे आपकी कोई नहीं डिटेल आप नहीं दी बोले ना, ना, अभी सुनो ना, सीनियर को हम भजा दिया, आपसे दो मेरा सीनियर। सीनियर ने मुझे कोई आपकी डिटेल नहीं दी, इसीलिए मैं वो कॉल कर रहा था कि मैं आपसे डिटेल लूंगा। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मुझे जरा, आप जो मेरे घर पे आए, होम विजिटिंग लेटर है आपके पास? हाँ है होम विजिटिंग लेटर है पक्का आपके पास? हाँ है, हम मुझे बस उसकी फोटो भेज दीजिए। तो ऐसे फोटो नहीं भेज चलिए कोई सकते। बात नहीं, आप फोटो नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि आप मेरे घर पर आए हैं स्वरूप भद्रा के, आप घर पे आए हैं, आपके पास होम विजिटिंग लेटर है, आप ओवर द कॉल ये बात कंफर्म करें राइट, एकदम ओवर द कॉल राइट? तो आप एक काम हाँ। कीजिए, क्योंकि आप बैंक के एम्प्लॉय हैं, तो आप मुझे आपका जरा एम्प्लॉय आईडी बता दीजिए एक बार जरा। ऐसे तो हम फोन में एम्प्लॉयरी नहीं बोल सकते सर। सर तो आप मैं तो कैसे मान नियरेस्ट लूंगा, आप आप तो बैंक के नियरेस्ट बंदे हैं। नियर तो नियरेस्ट कोई आईसीसी बैंक में सर जाइए। आपका सीनियर जब मेरे को आपकी डिटेल नहीं दे रहा, तो ये ब्रांच में जाने की जरूरत क्या होता है मुझे सर? नहीं आप मेरे आपको घर पे आए हैं तो नियरेस्ट मैं तो ब्रांच में। आपसे मांगूंगा ना सर, मुझे किसी बारे में जाने की क्या जरूरत है हाँ देखिए सर, हम तो ओवर फोन आपको डिटेल्स नहीं दे सकते ना। सर? नहीं, तो एक बात बताओ ना, ओवर फोन आप डिटेल नहीं दे सकते, तो मैं कैसे वेरीफाई आपके कर घर में तो लूं? पिता जी है ना? आपके घर में तो सर पिता जी है, उसको सर बोलिए आपने लोन कि हमें किसको वो दिया आई कार्ड था, देखने के लिए। आपने लोन किसको नहीं दिया था, मुझे दिया था आपको ना, लोन दीजिए। आपने हाँ लोन मुझे दिया है ना, तो डिटेल मैं वेरीफाई करूंगा, मैं चेक करूंगा ना, कि मेरे पिताजी थोड़ा चेक करेंगे, मेरे पिताजी से पूछ के लोन देते आपने, जो क्या पिताजी को चेक कराएंगे, आप मुझे चेक आपका कराएंगे तो ना आपका डॉक्यूमेंट तो पिताजी का नाम है ना? डॉक्यूमेंट? अरे डॉक्यूमेंट में पिताजी का नाम है, तो लोन डॉक्यूमेंट में पिताजी ने लिया, मैंने लिया है, और अरे क्या आप पिताजी ने लिए वेरिफिकेशन आप किया था कांटेक्ट मेरा? कहाँ करते हैं सर? क्या आप तो पिताजी? आप अरे कांटेक्ट सर कहाँ बात करते तो हैं? कर रहा हूँ सर, आपसे बात तो कर रहा हूँ, सीधे सीधे कॉन्टेक्ट की बात कर रहा हूँ आप आपसे। बात कर रहे ठीक हाँ है, बात कर रहे, तो दीजिए ना मगर कोई डिटेल, आप जो बताइए, आप एक बात बताओ, आप हमारे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, आपकी मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग के साथ बैंक को मेल मारूंगा, तो बैंक तो मुझसे पूछेगा ना भाई, आपका एम्प्लॉय आईडी बताओ, आपने एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं पूछी उसकी?
बैंक पे मेल मारी है ना, आप एक काम कीजिए, सुनिए ना सुनिए ना, आप एक काम कीजिए, हाँ आप मुझे बोलिए, अपनी ईमेल आईडी तो बता सकते हैं ऑफिशियल? आप ऐसे की बता सकते सर, सी जी में आपको सुन सुनो बार ना बार बोल रहे, आप नियरेस्ट ब्रांच में जाइए सर, सुनो मेरी बात, नियरेस्ट ब्रांच में भी जाऊंगा तो ब्रांच नियरेस्ट वाले भी तो ये बोलेंगे ना भाई उसका एम्प्लॉयर कोड बताओ, इससे आपकी बात करनी, जिससे आपने बात करी है, मैं क्या बताऊंगा आप जाके मुझे फोन करिए ना, आप जाके मुझे फोन करिए, आप अच्छा एम्प्लॉय के पास जाएंगे जाके फोन करिए, आप देखिए वेरीफाई करिए, तो वो तो मैं कस्टमर केयर से करूंगा ना, मुझे ब्रांच में जाने की जरूरत है उसके लिए, मैं तो कस्टमर केयर से सीधे सारी चीजें पूछ लूंगा, आप जो मुझे डिटेल बताएंगे, मैं तो मेल डालिए, कस्टमर केयर में एक मेल डालिए ना, हाँ मैं मेल तो वही तो मैं मेल मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं मेल डालूंगा तो मेल में आपकी एम्प्लॉयडी क्या लिखूंगा ये तो बताओ आप मुझे। आप मेल तो डाल सकते हैं, कोई गया है आपके लोन, दोनों लोन के रिगार्डिंग आपसे कोई बात करने गया है, आप हाँ। तो वो डाल सकते हैं, वो डालिए ना आप, नहीं तो उसमें वो पूछेंगे ना फिर मुझसे कि एम्प्लॉयडी बताए उसकी, मैं तो पहले मेल डाला हुआ है, आप मेल डाल के तो देखिए सर, मैंने डाला हुआ है, मैंने डाला हुआ है, सुनो मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मेल नहीं आया है सर, कोई मेल नहीं आया है, अभी आप बोलिए, आप आप एक काम कीजिए, आप मुझे कस्टमर की मेल आईडी बता दीजिए ना सर, आप बोल रहे कस्टमर केयर में आप मेल आईडी डाले हैं, आप सर अपने मुंह सर आप बैंक के बंदे हैं तो आप मुझे अपने मुंह से बताइए ना, मेरे आप अपने मुंह से कोई बैंक की चीज तो बताएंगे ना, कस्टमर की मेल आईडी तो आप अपने मुंह से बता सकते हैं ना, किस बैंक से आए आपकी ऐसी बैंक की बताइए ना मेल आईडी, कस्टमर की मेल आईडी बताइए, मैं किस पे मेल करूँ जिसमें की मेरे को तुरंत रिवर्ट मिले, आप वो मुझे मेल आईडी बता दीजिए, या तो आप अपने बॉस की बता दीजिए, देखो कल आपके बॉस ने तो मैं कल आपके बॉस के पीछे पड़ गया था, उसने मेल आईडी नहीं दी मेरे को, उसने फोन काट के भाग गया वो, तो आप एक काम करो अपने बॉस की मेल आईडी बता दो मुझे, आप बॉस को आप किसको फोन किया था, बॉस को लाइन पे ले लीजिए, अरे आप ले लो सर, मैं क्यों नहीं बॉस को लाइन पे सर, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है? आप बोले आप तो बॉस के पीछे पड़ गए, आप तो बोले थे भाई मैं तो पड़ गया था, 8.5 मिनट मैंने 8.5 मिनट बजाइए मैंने उसकी, भाई मेरे फोन काट के भागे मैं मेल आईडी मांगना चालू करिए, लेख लो लाइन से पूछ लो कि सर मेल आईडी मांग रहा है, नहीं सर मैं मुझे क्या फोन करने की जरूरत पड़ी सर, मुझे मैंने क्या उसे कुछ लेना है, मुझे जो मैं फोन करूंगा, आप बोल रहे बॉस को बजा है, एक काम करो मैं आपको वीडियो सुनो ना, मैं आपको ना वीडियो का लिंक भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना कि मैंने बॉस की कैसे बजाई है, तसली से सुन लेना, क्योंकि वो लिंक भी मैं अटैच करके मेल में भेजने वाला हूँ, आप मुझे कस्टमर की ईमेल आईडी बताइए, इसमें कंप्लेन करनी है, नहीं नहीं आप बोले ना बॉस को बजा है तो बॉस को लाइन पे लीजिए ना सर, मैं काय को लाइन पे लूँ, मुझे जरूरत है, आप बैंक से पूछ लो ना, बैंक से आप बॉस से पूछ लो सर, बॉस आपकी कैसे बजाई कल स्वरूप ने, पूछ लो बैंक बॉस को पता चल जाएगा आपको, अच्छा अच्छा बॉस से पूछ लेंगे, पूछ लो आप, और हम बॉस को फोन करके आपको लाइन पे ले रहे हैं, ले लो आप, ले लो आप लाइन पे ले लो, मैं उसी के नाम से पूछता हूँ एम्प्लॉयडी, फिर वो तो बताएगा ना, ठीक है ठीक है, ले लो आप लाइन पे ले लो, अभी ले लो, मैं लाइन पे हूँ, आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवर राहा, द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हॅज पुट युअर, हॅलो 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 सुनाई दे रहे, हॅलो 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 स्वरूप जी बोल रहे हैं ना, हाँ जी बोल रहा हूँ, बॉस लाइन पे इधर बात करिए, हेलो हेलो सर कौन बोल रहे हैं, हेलो सर आवाज आ रही है आपको, हाँ आवाज आ रही है सर, कौन बोल रहे हैं, हाँ बोलिए सर क्या बात है, आप स्वरूप बुद्ध जी बोल रहे हैं ना सर, कल आप ही से बात हुई मेरी, किसी और से बात हुई है, हाँ मेरे से बात हो रही है, कल आप ही से बात हुई है ना मेरी, तो कल मैं आपसे बात कर रहा था, आपसे ईमेल आईडी मांगा था, आप तो फोन काट के भाग गए थे, फोन कट के रखती थे आप, बाय द वे आपका आपका 200 लोन है ना स्वरूप जी, जी हाँ जी 200 लोन है, तो उसका सर पेमेंट सर, पेमेंट की तो मैंने बता दी ना, पेमेंट का स्टेटस तो पहले मुझे इनकी एम्प्लॉय जो मेरे घर पे आज बंदा है मेरे को पहले उसकी एम्प्लॉय डिटेल तो बताओ, जो बंदा पैसे मांगने के लिए आया हुआ है सुनो मेरी बात, सर आप क्या पहले आप बोलेंगे ना हम लोगों का बात भी सुनेंगे, कौन नहीं करेंगे आप, पहले मैं अपनी बात बोलूंगा मुझे उसका जवाब दोगे, पूरा पूरा अपना आप हिसाब से अपना टाइम लीजिए, टाइम तक आप बोलिए, हम जस्ट चुपचाप से सुनेंगे, उसके बाद जब हम बोलेंगे तब आप भी सुनेंगे, नहीं आपके बोलने सुनो मेरी बात आपकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको जो सवाल करूंगा मुझे आप जवाब दोगे, मुझे अरे लोन आपसे थोड़ा लिया है मैंने, अरे बैंकचोद बैंक से लोन लिया है, तुमसे थोड़ा लोन लिया, जो तुम्हारी बात सुनूंगा मैं, तुम हो कौन, हम तो बैंक का रिप्रेजेंट, तो बैंकचोद मुझे कैसे पता तुम बैंक के, तुम मुझे बैंकचोद एक बात बताओ मुझे कैसे पता तुम बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हो, जब तक मुझे तुम्हारी एम्प्लॉयडी नहीं पता चलेगी,
मैं कैसे मालूम हूँ बैंक से? आपको आप एम्प्लॉय आईडी चाह रहे हैं ना? हाँ लीजिए, हम आपको तो अनाप शनाप एम्प्लॉय आईडी बोल दे। हाँ तो आपको तो तब भी विश्वास नहीं? आपको क्या लग रहा है कि कस्टमर चूती है? मैं उस एम्प्लॉय आईडी के साथ मेल करूंगा बैंक को, कस्टमर केयर से कॉल करूंगा, तो बैंक अगर रिप्लाई करेगा, अगर बैंक ने बोला कि ये एम्प्लॉय, सुनना मेरे पास, मैं राजस्थान में हूँ सर, मैं राजस्थान में हूँ। बोल रहे थे अलीपुर द्वार पे है, कहाँ पे? अब राजस्थान में कैसे हो गया? कहाँ पे? पिता जी बोल रहा, प्रणय कृष्ण भोपो जी ने बोल रहा, मेरा बेटा तो अलीपुर द्वार में है। सर उन्हें पता होगा तभी तो बताएंगे ना वो, उन्हें जो पता हो वही तो बताएंगे ना।